तो अभी हम आपको इमेज के बारे में चर्चा कर रहे थे। इमेज आपके जनरली टू टाइप के होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो ये रियल और वर्चुअल होते क्या हैं? ऐसे इमेज जिनको हम स्क्रीन पर फॉर्म कर सके, यानी जो स्क्रीन यानी पर्दे के ऊपर इमेज बनते हो वो इमेज आपका रियल इमेज होता है। और ऐसे इमेज जो स्क्रीन के ऊपर ना बने, जो पर्दे के ऊपर ना बने, वो आपका वर्चुअल इमेज होता है। सिनेमा हॉल के अंदर जो वहां पर पर्दा होता है, सिनेमा हॉल के अंदर उसके ऊपर जो इमेज बनते हैं वो आपके रियल इमेज होते हैं। और प्लेन मिरर के अंदर जो हम अपना चेहरा देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, वो रियल इमेज नहीं होता है, वो वर्चुअल इमेज होता है। अगर हम प्लेन मिरर, जैसे मान लें ये आपका मिरर है और ये हमारा चेहरा है, इस दोनों के बीच में एक स्क्रीन लाके रख दें, तो हम देखेंगे कि हमारा इमेज नहीं दिखेगा, यानी हमारे फेस का जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं फाइंड होता है। तो हमारे जो फेस का इमेज प्लेन मिरर के थ्रू बनता है उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और जो सिनेमा हॉल में पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर इमेज बनता है वो आपका रियल इमेज होता है। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में जानने के बाद हम प्लेन मिरर के थ्रू इमेज के फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लेन मिरर के बारे में, इमेज के फॉर्मेशन के स्टडी के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपके प्लेन मिरर के सामने रखे जाते हैं, अगर वो बहुत छोटे साइज के, तो बहुत छोटे साइज के ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। और अगर साइज बड़ा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसके इमेज का फॉर्मेशन करना है तो हम ये मान लेते हैं प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के हेल्प से पॉइंट शेप के ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो उसके लिए हम इस मिरर के सामने किसी भी डिस्टेंस पर एक पॉइंट बना देते हैं और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। और अगर किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, मान लेते इसी प्लेन मिरर के सामने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रखना है, तो इसके लिए हम एक एरो बना देते हैं, उस ऑब्जेक्ट के सुटेबल स्केल लेकर ऑब्जेक्ट के साइज का कंपेयर करके एक एरो बना देते हैं। और जो एरो का हेड होता है वो ऑब्जेक्ट का हेड होता है और जो एरो का टेल होता है वो ऑब्जेक्ट का टेल होता है। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन करना है, वो पॉइंट शेप का है तो उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, और वो किसी पर्टिकुलर शेप का है, पॉइंट शेप का नहीं है तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। तो यहां पर हम दो केस लेके चलते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट शेप का है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का यानी एक्सटेंडेड शेप का है तो कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो पहला केस, अगर आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट शेप का, इफ ऑब्जेक्ट इज पॉइंट से, तो क्या होगा, ये हमारा प्लेन मिरर है जिसके बैक साइड में हम
ये रेड कलर की पेंटिंग कर रहे हैं और इधर आपका सामने की तरफ सिल्वर की पॉलिश की हुई है। सिल्वर के पॉलिश को बचाने के लिए, डिस्ट्रॉय होने से सेफ रखने के लिए हम बैक साइड में रेड कलर की पॉलिश कर रहे हैं। अब इस प्लेन मिरर से हम सपोज कर रहे हैं कुछ डिस्टेंस पे, यहां पर ये आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और ये प्लेन मिरर से डिस्टेंस हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने x डिस्टेंस पर पॉइंट शेप का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका हमें इस प्लेन मिरर की हेल्प से इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो इसके लिए हम इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो रेज को इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं। तो यहां पर अगर हम ये सपोज कर लें, एक रेज को यहां से नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं, तो नॉर्मली इंसिडेंट होने वाली रेज ये आपकी है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको ओ नाम देते हैं। ओ से एक रे मिरर की तरफ नॉर्मली चली और पॉइंट ए पर इंसिडेंट हुई। अभी हमने पहले बताया था कि अगर कोई लाइट रे किसी प्लेन के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ से, उसी रास्ते से वापस चली जाती, यानी ये रे इसी रास्ते से वापस चली जाती। एक दूसरी रेज को नॉर्मली नहीं, किसी एंगल पर हम इंसिडेंट कराते हैं, तो उसके लिए सपोज कर लिया ये आपकी रेज है जो मिरर के बी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई। यहां पर एक हम नॉर्मल ड्रा करेंगे और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। तो ये इंसिडेंट रे जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई है, नॉर्मल से जितना एंगल फॉर्म कर रही है, उतना ही एंगल नॉर्मल से फॉर्म करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी ये आपकी बीसी रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि पहली रे रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से आगे जा रही है और दूसरी रे रिफ्लेक्शन के बाद इधर आ रही है। दोनों के बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है। तो ये दोनों रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरफ कहीं पर आपस में नहीं मिलेंगे क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है। अब अगर हम इनको ये सपोज कर लें कि मिरर के बैक साइड में एक्सटेंड कर दें, तो बैक साइड में एक्सटेंड करने के लिए हम इनको डॉट डॉट लाइन से एक्सटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेज इस तरफ जा नहीं रही है, ये हम सपोज कर रहे हैं, और दूसरी रेज को बैक साइड में एक्सटेंड कर दें तो हम देखते हैं ऐसा लग रहा है कि बैक साइड में किसी पॉइंट पर आके मिल जाती है। तो जिस पॉइंट पर मिलती हैं, ये एक्चुअली यहां मिल नहीं रही हैं, ये मिलती हुई हमें सेम हो रही है। अगर इस रेज को हम देखें तो ये रेज हमें लग रही है कि ये इस पॉइंट से आ रही है, या इस आने वाली रेज को देखें तो ये आने वाली रेज हमें लग रही है इस पॉइंट से आ रही है। तो प्लेन मिरर के केस में रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जिस पॉइंट से हमें आती हुई सीम होती है, जिस पॉइंट से आती हुई हमें आभास होती है या प्रतीत होती है कह लें, वो पॉइंट ही आपका इमेज होता है। यानी इस पॉइंट शेप का, शेप के ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बना जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर ये आपका अगर पॉइंट शेप का ऑब्जेक्ट है तो उसका प्लेन मिरर के थ्रू इमेज है। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर हमारा इमेज ऑब्जेक्ट पॉइंट शेप का ना हो, किसी शेप का हो, तो उसका कैसे इमेज बनेगा, उसके लिए देखते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज एक्सटेंडेड शेप, तो हमारा इमेज कैसे फॉर्म होगा, उसके लिए हम रे डायग्राम देखते हैं। तो हम यहां पर सपोज कर ले रहे हैं, यहां पर भी ये आपका एक प्लेन मिरर,
जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है, इसको ए और इसको बी नाम दे देते हैं। अब इस ए बी ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर के थ्रू, मिरर को हम एम एम डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, प्लेन मिरर एम एम डैश के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो यहां पर भी पहले की तरह पहले दो रेज को हम पॉइंट ए से बी से भेजेंगे और फिर दो रेज को पॉइंट ए से भेजेंगे, सेम उसी तरह। तो पहली रेज को हम नॉर्मली इंसिडेंट करा दे रहे हैं, नॉर्मली इंसिडेंट रे जिस रास्ते से जा रही थी उसी रास्ते से वापस चली आएगी, इसको हम बैक साइड में एक्सटेंड कर दे रहे हैं। सेम वही प्रोसेस, यहां से दूसरी रेज को किसी एंगल पर इंसिडेंट करते हैं, ये हमने सपोज कर लिया किसी एंगल आई पर इंसिडेंट हो गई, यहां पर एंगल को हम आई वन नाम दे देते हैं और ये आपका यहां पे नॉर्मल है, आई वन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से जाएगी, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर वन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब इस रेज को हम बैक साइड बढ़ा दें तो हम देखते हैं कि ये रेज इस जगह पर हमें मिलती हुई सी हो रही। सेम वही प्रोसेस जो हमने अभी यहां पर किया है, वही प्रोसेस पॉइंट ए से करेंगे। एक रेज को हम नॉर्मली इंसिडेंट कराएंगे, नॉर्मली इंसिडेंट रे जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, इस रे को हम बैक साइड में एक्सटेंड कर देते हैं और यहां से भी एक रेज को किसी एंगल पर इंसिडेंट कराते हैं। तो ये हमने सपोज कर लिया ये है, ये नॉर्मल आपका है और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर आई टू है, ये रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरह जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर टू है। इस रेज को अगर हम बैक साइड में बढ़ाएं तो ये रेज हमें इस पॉइंट से आती हुई सी होगी। तो यहां पर अगर इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो ये जो आपका है इसको हम बी डैश और इसको ए डैश नाम देते हैं। तो ए डैश बी डैश इस ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज। तो यहां पर प्लेन मिरर के केस में कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। हमने पहले डायग्राम में देखा अगर पॉइंट शेप का ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज पॉइंट शेप का बनता है, अगर किसी पर्टिकुलर शेप का ऑब्जेक्ट है तो जितना ऑब्जेक्ट का शेप होगा उसी शेप का आपका इमेज बनेगा। यानी प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअली नहीं होता है, वो हम सपोज करते हैं। यानी प्लेन मिरर के केस में जो इमेज होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, पहली बात। दूसरी बात, हम देख रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट इमेज है, किसी पर्टिकुलर शेप का ऑब्जेक्ट है तो उसी पर्टिकुलर शेप का इमेज है। यानी प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका जो साइज होता है वो ठीक ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। यानी इमेज साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। और तीसरा पॉइंट हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने जितना डिस्टेंस पे रखा होता है इमेज प्लेन मिरर के बैक साइड में उतनी ही डिस्टेंस पर बनता है। यानी प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम। तो यहां से अगर हम ये देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उसका इमेज जो होगा वो मिरर से एक्स डिस्टेंस पर ही बनेगा, यानी यहां से यहां की डिस्टेंस भी आपकी एक्स ही होगी। यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में
अगर आपका प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है तो प्लेन मिरर से इमेज की डिस्टेंस वही होगी जो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। और अगर हम प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस पूछ लें तो क्या होगा, जितना आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ऐड होगा और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का डबल हो जाएगा। यानी अगर हम इस क्वेश्चन में पूछे, हमने दिया है कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एक्स दिया है, इसको हम कोई वैल्यू सपोज कर लें 5 सेंटीमीटर। अगर हमने कहा कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो इमेज डिस्टेंस कितनी होगी, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर ही होगी। और अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ये दोनों डिस्टेंस ऐड हो जाएंगे यानी 5 + 5 ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद हमने आपको इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हमने बता दिया। अब आपके अगला टॉपिक जो आता है वो है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है उसको देखते हैं। लेटरल इन्वर्जन तो लेटरल इन्वर्जन होता क्या है, अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हो और अपने लेफ्ट हैंड साइड के हैंड को राइज करें, अगर हम प्लेन मिरर के सामने अपने इस हैंड को राइज कर रहे हैं तो मिरर के अंदर जो इमेज बनेगा उस इमेज में लगेगा हमारा राइट हैंड साइड राइज हो रहा है, और अगर हम मिरर के सामने अपने राइट हैंड साइड को राइज करेंगे तो हमें लगेगा जो इमेज बनेगा इमेज में हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइज होता हुआ दिखेगा। तो अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर अपने हैंड को राइज करते हैं तो लेफ्ट हैंड का इमेज राइट हैंड दिखेगा और राइट हैंड का इमेज लेफ्ट हैंड दिखेगा। तो इस मतलब आपस में कन्वर्ट होने के फेनोमेना को, मतलब लेफ्ट हैंड का इमेज राइट हैंड हो जा रहा है, राइट हैंड का इमेज लेफ्ट हैंड हो जा रहा है, तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन। तो इसको अगर अच्छी तरीके से हम समझें तो डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर देन द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम लेफ्ट साइड ऑफ इमेज एंड लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम्स द राइट साइड ऑफ इमेज, दिस चेंज ऑफ साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जो आपकी एम्बुलेंस की गाड़ियां होती हैं, एम्बुलेंस के गाड़ियों में हम देखते हैं कि एम्बुलेंस जो लिखा होता है उल्टा लिखा होता है। उल्टा किस लिए लिखा होता है, जब हमारी वो बैक साइड से आएंगी और सामने चल रही गाड़ी के अंदर जब उसका इमेज बनेगा तो वो इमेज, अभी हमने बताया लेफ्ट साइड राइट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट साइड लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा एम्बुलेंस लिखेंगे तो हमारी गाड़ी के अंदर जो इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा, जिससे हम आने वाली पीछे की एम्बुलेंस को आसानी से देख ले, आसानी से पढ़ ले। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड का प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनता है वो राइट साइड इमेज हो, और राइट साइड ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर के अंदर इमेज जो हो वो लेफ्ट साइड हो, तो इस लेफ्ट का राइट में कन्वर्जन जो होता है उसको हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इसके बाद
आपका लेटर इन्वर्जन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है? तो पहला यूज आपका प्लेन मिरर का है। प्लेन मिरर का यूज हम अपने फेस को देखने के लिए यूज करते हैं। ड्रेसिंग रूम में जो आपका मिरर लगा होता है वो आपका प्लेन मिरर ही होता है। नेक्स्ट आपका है प्लेन मिरर जो आपके ज्वेलरी शॉप होते हैं, कपड़ों के शॉप होते हैं, वहां पर दीवार के अंदर फिक्स कर दिए जाते हैं, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को वहां आसानी से देख सके। दूसरा आपका है पायरोस्कोप, एक आपकी डिवाइस होती है, उस पायरोस्कोप के फॉर्मेशन में हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। अगला यूज आपका है जहां पर रोड पर कहीं कहीं बहुत शॉर्ट टर्न होते हैं, एकाएक मोड़ होता है, वहां पर भी प्लेन मिरर लगा दिया जाता है, जिससे कि हम जिधर से आ रहे हैं उसके दूसरे तरफ से आने वाली व्हीकल्स जो हैं वो दूर हो, तभी उस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमें वो दिखने लगे। तो ऐसे केस में जब वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर ही होता है तब दूसरे गाड़ी वाले को वो दिखने लगे, तो ऐसे जगहों पर हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। अब प्लेन मिरर के बाद हम जो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सर्फेसेस। तो रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सर्फेसेस में आपके कौन कौन से आते हैं? कर्व सर्फेसेस में आपके आपके स्फेरिकल मिरर आते हैं। तो स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो अगला टॉपिक आपका है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है? स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर हूज वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टेड। जैसे हम ये सपोज कर लें ये आपका एक हॉलो स्फीयर है, अब इस हॉलो स्फीयर से हम इतने पोर्शन को कट करके अलग कर ले रहे हैं, इसको हम कट करके अलग कर ले, यानी कट करके अलग करने पर ये हो। अब इसके बैक साइड में हम रेड कलर की पेंटिंग कर दें और अंदर के साइड में सिल्वर की पॉलिश कर दें, तो ये आपका इस स्फेरिकल हॉलो स्फेयर से जो कट के पार्ट अलग निकला है ये आपका एक स्फेरिकल मिरर है। ये स्फेरिकल मिरर, ये इसका बैक साइड है जो कि पेंट किया गया है, और ये फ्रंट साइड है अंदर का साइड जहां पॉलिश किया गया है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और अगर हम इस हॉलो स्फेयर के इस पोर्शन को कट करके अलग कर लें, इस पोर्शन को, इसको हम अलग बना दें, ये इसके अंदर साइड को हम रेड कलर से पेंटिंग कर रहे हैं और बाहर के साइड को पॉलिश कर रहे हैं, ये तो आपका ये भी एक स्फेरिकल मिरर है और ये भी एक स्फेरिकल मिरर है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आपके स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स, आर टू टाइप्स। ये जो आपका पहला टाइप दिख रहा है इसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं और दूसरा टाइप जो दिख रहा है उसको हम कॉनवेक्स मिरर बोलते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर हूज वन साइड इज पॉलिश
एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टेड। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इस स्फेरिकल मिरर से एक मिरर हमने यहां पर कट किया जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है या आउटर सरफेस के करीब पेंट किया होता है और इनर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग होता है। इनर सरफेस को हम बेंड इन सरफेस भी बोलते हैं, इसको हम दूसरा नाम देते हैं बेंड इन सरफेस। तो अगर किसी भी मिरर का बेंड इन सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है और दूसरा सरफेस आपका पेंट किया होता है तो उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं, और अगर किसी मिरर का बेंड आउट सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और बेंड इन सरफेस पेंट किया होता है तो उस मिरर को हम कॉनवेक्स मिरर बोलते हैं। अब हम स्फेरिकल मिरर जिसके आपके दो टाइप्स हैं, स्फेरिकल मिरर होता क्या है, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर हूज वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर साइड इज पॉलिश्ड। स्फेरिकल मिरर आपके टू टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, मिरर हूज बेंड इन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, यानी अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और बाहर का सरफेस पेंड किया हुआ हो तो वो आपका कॉनकेव मिरर होता है, और अगर बाहर का सरफेस बेंड आउट सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग होता है और बेंड इन सरफेस पेंट किया होता है तो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। अब इस मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं, उन टर्म के बारे में जानने के बाद ही हम स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर से इमेज के फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो वो टर्म्स कौन कौन से हैं, वो टर्म्स पहला टर्म्स है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड पोल, फोर्थ प्रिंसिपल एक्सिस और फिफ्थ फोकस। तो हम आपको इस स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म दिखा रहे हैं, पहला आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और फोकल। तो सबसे पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आते हैं। तो रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, हमने पहले आपको बताया कि जो स्फेरिकल मिरर है ये हॉलो स्फीयर के एक पार्ट है, तो हॉलो स्फीयर के अंदर एक एवं मिड में पॉइंट होता है, इसको हम सेंटर बोलते हैं। तो ये हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है वही स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो डेफिनेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर हूज स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। फिर से देखते हैं, ये आपका स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर हूज स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर हूज स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। मतलब ये आपका स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है उस हॉलो स्फीयर के रेडियस को ही हम इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं पोल क्या होता है, ये आपका स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का ये इतना सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को, अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को इस पॉइंट, ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है, तो ये पॉइंट ही आपका इस
स्फेरिकल मिरर का पोल होगा। यानी पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग लेंथ। मतलब जितने पॉइंट से रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है उस लेंथ के सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब अगर हम इस डायग्राम में सपोज कर लें कि ये आपका पोल है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां फिर से ध्यान देते हैं, ये इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये स्फेरिकल मिरर का पोल है। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल से जाने वाली स्ट्रेट लाइन को, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन को, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस नाम देते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब इसके बाद फोकस क्या होता है, अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के पास से कुछ पैरेलल रेज को भेज दें, ये हमने सपोज कर लिया दो रेज हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक हैं और आपस में पैरेलल इनको भेज रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से पास होती है। मान लेते हैं ये रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से पास हो रही है, तो जिस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट ही क्या होता है, फोकस। यानी यहां पर ये पॉइंट को कैपिटल एफ से दिखाएंगे और ये कैपिटल एफ पॉइंट क्या होगा, इस स्फेरिकल मिरर का फोकस होगा। फोकल लेंथ क्या होता है, इस पोल पी और इस फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं और इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये आपका पी और एफ के बीच की डिस्टेंस स्मॉल एफ है और सी और पी के बीच की डिस्टेंस जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एफ पॉइंट होता है ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में होता है। तो यहां से अगर हम इस आर और इस एफ में रिलेशन फाइंड करें तो एफ इजकल टू आर बाई टू या आर इजकल टू टू एफ, ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है। तो बाकी के टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।